वहीं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आज छापेमारी आज भी जारी है। तो आपको बताएं कि जौहर यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आज छापेमारी जारी है। तो ना सिर्फ आजम खान के आवास पर और भी कई ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। और ये जौहर यूनिवर्सिटी है जहां पर टीम पहुंची हुई है। कल यहां छात्रों ने नाराजगी जरूर जाहिर करी थी, लेकिन टीम अपना काम करती हुई नजर आ रही है और आज दूसरा दिन है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी है जहां आईटी की टीम पहुंची हुई है और ये छापा चल रहा है। रामपुर में एक तरफ आजम खान के घर पर उनके आवास पर टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी में भी ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, टीम पहुंच गई है सुबह से और ये अब टीम अपना काम कर रही है, कार्रवाई जारी है। और भी कई ठिकानों पर आज भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहने वाली है, यानी एक लंबी रेस है जो चल रही है कल से, और ये दायरा और बढ़ेगा ऐसा बताया जा रहा है। धीरे धीरे ये दायरा कहां तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। सपा आरोप लगा रही है कि आजम खान को बेमतलब परेशान किया जा रहा है, आजम खान ईमानदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि तमाम सबूतों के बाद ही आईटी की टीम पहुंचती है और इसी वजह से अब आईटी की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। और आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन आजम खान के घर पर उनके आवास पर टीम पहुंची हुई है और जौहर यूनिवर्सिटी में भी ये टीम इस वक्त मौजूद है और लगातार जो तमाम दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े जितने भी दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। कहां कहां रेड पड़ी है ये भी आपको बता रहे हैं, लगातार बरामद दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। आजम के करीबियों के यहाँ छापेमारी पड़ी है, चाहे वो लखनऊ हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो या फिर रामपुर है ही, मध्य प्रदेश पे भी बेहद करीबी रहे आजम खान के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। तो आईटी की छापेमारी का आज दूसरा दिन है और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और लंबी ये कार्रवाई हो सकती है, आज भी दिन भर लगातार चल सकती है पूरी कार्रवाई, ऐसा कहा जा रहा है। ये छोटी रेस है बल्कि बड़ी रेस है और तमाम जो अहम सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं और तमाम दस्तावेज भी मिले हैं ऐसी जानकारी आ रही है। गोल्ड काफ़ी मिला है उसका वैल्यूएशन के लिए, इस वजह से टीम पहुंची हुई है आजम खान के आवास पर। कल कुछ कैश की बात भी सामने आ रही थी जिसके लिए भी टीम पहुंची हुई थी। बहरहाल ये पूरी रेड जब खत्म होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। सैयद क्या अपडेट? देखिए इस वक्त जो है कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही है और अंदर आजम खान का जो घर है यहाँ पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में चल रही है और वहां से भी कल से लगातार चल रही है और 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है ये। और अब तक रामपुर में अगर हम किसी रेट की बात करें तो ये सबसे बड़ी रेट कही जा रही है रामपुर में, जो कि आजम खान और आजम खान से संबंधित जौहर ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनसे उनके ठिकानों पर चल रही है। तो रामपुर में बहुत इस वक्त बड़ी कार्रवाई है, गोल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर और साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में ड्यूटी कर रही है, रात भर ये लोग यहीं पे रुके हैं और सुबह से इनकी कार्रवाई फिर दोबारा से शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है शक्ल में छापेमारी की शक्ल में हो रही है, पुराना मामला है जौहर ट्रस्ट से संबंधित की शिकायत है। और कहाँ कहाँ ये छापेमारी चल रही है अगर रामपुर की बात करें तो? देखिए रामपुर में जौहर ट्रस्ट से संबंधित जितने लोग हैं करीब 9 के आसपास है, उनसे जैसे जैसे लिंक बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही छापेमारी की कार्यवाही जो है तेज होती जा रही है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक है नसीर अहमद खान, उनके घर के ऊपर रेड चल रही है, यहाँ पर एक पूर्व चेयरमैन है उनके घर पर रेड चल रही है और कई ऐसे ठिकाने हैं, एक जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की, जब गवर्नमेंट की तब रह चुके हैं सलीम कासिम, उनके घर पर रेड चल रही है, ऐसे कई ठिकाने हैं जहाँ पर जो है लगातार रेड चल रही है। और ये जैसे जैसे पूछताछ में चीजें सामने आ रही है, कल आजम खान की जो पत्नी है संजीव फातिमा उनका रिजॉर्ट मुजफ्फर रिजॉर्ट है वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई है। तो जैसे जैसे ये लिंक मिलते जा रहे हैं तो वो शाखाएं जो है फैलती जा रही है और इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर रेट जो है दे रहा है। तो ये जो है अभी इस सबसे बड़ी बात यह है कि रेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ में चीजें सामने आ रही है वैसे वैसे चली जा रही है।
अगर आभूषणों की बात करें, गोल्ड के आभूषणों की बात करें, चांदी के आभूषणों जो भी डेली हो, आभूषण जो ज्वेलरी है उसका भी मूल्यांकन वहां पर जो हो रहा है। दस्तावेजों की बात करें, प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है कि कहां कहां प्रॉपर्टी है, विदेशों में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कागजात कहां कहां के हैं, तो उन सबकी जो भी है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट के अंदर जो पैसा आया था वो पैसे के ऊपर ये आरोप लगे थे। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि काफी कुछ यहाँ अहम सबूत मिले हैं, कई दस्तावेज और जो गोल्ड मिला है और क्या बाहर भी कोई संपत्ति है, तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। यानी टीम लगातार अपना काम कर रही है।